करते हैं लिटरेचर पोर्शन को। लिटरेचर इस बार काफी क्वालिटी का पूछा गया और इस बार सिलेक्शन के अंदर का जो टर्निंग पॉइंट साबित होगा वो लिटरेचर होगा। मैंने आपको हिदायत दी थी कि लिटरेचर को इस बार इजी मत लीजिएगा। आरपीएससी कभी भी अपने पेपर का स्टैंडर्ड चेंज कर देती है और इस बार उसने लिटरेचर के अंदर का चेंज करके ये साबित भी कर दिया है। जो विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि सर आप इतना डीपली क्यों तैयार करवा रहे हो, मोटी मोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैंने उनको स्पेशल हिदायत दी थी कि लिटरेचर को आप इजी मत लीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े थे, जिन विद्यार्थियों ने पोएम्स की लाइनें याद की हुई थी, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी मोटी मोटी थीम पढ़ के गए थे या ट्रांसलेशन ही पढ़ के गए थे, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आगामी एग्जाम के लिए लिटरेचर को इतना इजी मत लीजिएगा, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िएगा। मैंने जितने भी वीडियोज डाल रखे हैं उनको जरूर देखें और आपको एहसास होगा कि लिटरेचर को किस वे में आपको पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं लिटरेचर पोर्शन। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, कमला दास की डांस ऑफ द यूनक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। द राइडिंग ऑफ यूनक इन वैकेंट एक्सटेसी अल्यूड्स टू देयर, अल्यूड्स का मतलब होता है डिनोट्स या इशारा करना, कि जो वैकेंट एक्सटेसी फ्रेज जो है वो किस ओर इशारा करती है। देखिए वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी और एक्सटेसी कहते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस को। क्या यूनक्स की जिंदगी में वाकई इस प्रकार की एक्सट्रीम हैप्पीनेस है क्या? नहीं है। उनका जो फेस है वो एक जॉय का मास्क है, केवल नकाब पहन रखा है। तो इसका सही हो जाएगा बी, इमोशनल ब्लैंकनेस। ध्यान रखिएगा कंटेंटमेंट इन लाइफ नहीं है, जीवन से संतुष्टि उनको है ही नहीं, इसीलिए तो एक फ्रेज यूज की गई है दे बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट। यही वजह है कि वो अपने ग्रीफ और ग्लूम को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमला दास की पोएम डांस ऑफ द यूनक में से ही पूछा गया। कमला दास इन हर पोएम डांस ऑफ द यूनक सेट्स अप ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, इस पोएम के अंतर्गत एक कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है और वो किसके बीच शो किया गया है, वो है एक हैप्पीनेस और जो बैरननेस है उसके बीच। क्योंकि यूनक जो है वो खुशी जाहिर जरूर कर रहे हैं लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बैरननेस को करते हैं। ऑप्शन ए ग्रीनरी एंड डेल्यूज, ये बिल्कुल नहीं है। ग्रीनरी कहते हैं हरियाली को, डेल्यूज कहते हैं जल पर ले, तो ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो रेन होती है वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटेसी एंड स्टरिलिटी, ये है हैप्पीनेस और बैरनेस के बीच एक कॉन्ट्रास्ट पैदा किया गया है। उसके बाद मार्थ एंड ग्ली नहीं है, दोनों ही हैप्पीनेस को शो करते हैं, हीट एंड डस्ट के बीच भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में से पूछा गया है। इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एजकिल सेड दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल, एजकिल के अनुसार जो स्कॉर्पियन है वो कहां पर क्रॉल करके गया था, कहां पर रैंक कर गया था, तो ये तो आपको बताया गया था अंडर द सैक ऑफ राइप्स, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसका ये क्वेश्चन गलत हो। नेक्स्ट द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, ग्रामीणों का क्या विचार था स्कॉर्पियन के काटने पर। याद रखिएगा ये जो विलेजर्स का ओपिनियन नहीं है बल्कि उनकी प्रेयर है। इस पोएम के अंदर का जो एक लाइन आती है मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तो इसका आंसर सही हो जाएगा वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लैश। नेक्स्ट द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द फादर टू काउंटरैक्ट द स्कॉर्पियन पॉइजन वॉज, स्कॉर्पियन का जो पॉइजन था उसको कंट्रोल करने का अंतिम समाधान फादर ने क्या सुलझाया था। उन्होंने यही सुलझाया था कि मदर के टॉ के ऊपर जो मिक्सचर है विभिन्न हर्ब्स का वो डालते हैं और पैराफिन डालकर उसे क्या है मैच लगा देते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, पोर पैराफिन एंड पुट ए मैच टू द मदर स्टोव। देखिए इसमें जो फ्रेज आती है ही पोर्ड ए लिटिल पैराफिन एंड मैच टू इट, जो इट यूज किया गया था वो टॉ के लिए यूज किया गया था और वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। हो सकता है आगामी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ये इट किसके लिए आया है, तो आगामी प्रिपरेशन को भी बहुत ज्यादा डीपली कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो मैकबेथ अटर दिस ऑन हियरिंग ऑफ, ये जो लाइन है मैकबेथ कब दोहराता है। ऑप्शन ए बिरनेम वुड मूविंग, याद रखिएगा ये बिरनेम की स्पेलिंग भी इसमें गलत है, बी आई आर एन ए एम ये इसकी स्पेलिंग है, बाकी इसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है क्योंकि नाम की स्पेलिंग कैसे भी हो सकती है क्योंकि ये ग्रामेटिकल इश्यू नहीं है। तो बिरनेम वुड जिसकी जानकारी एक रिपोर्टर देता है कि ऐसा लग रहा है जैसे बिरनेम वुड जो है वो महल की तरफ चलता आ रहा है, ये रिपोर्टर कहता है। इसके बाद तो वो सिर्फ सैटर्न को कहता है कि मेरा कवच लेके आओ, आमर लेके आओ, तो ये लाइन वो नहीं दोहराता है। नेक्स्ट मैकडब्स बर्थ ट्रूथ, ये जो मैकडब उसे बताता है कि भाई मैंने जो है एक माँ की कॉक से वैसे जन्म नहीं लिया जो नेचुरल बेबी होता है, मेरी माँ के गर्भाशय को काट कर मुझे बाहर निकाला गया था, तो इसके बाद भी मैकबेथ ये बात नहीं कहता है। नेक्स्ट लेडी मैकबेथ डेथ, जब सैटर्न आके मैकबेथ को बताता है क्योंकि औरतों की चीख सुनाई देती है और मैकबेथ पूछता है कि ये शोर कैसा है, तब सैटर्न आके बताता है कि महारानी जो है वो मर चुके हैं। उसके बाद
मैकबेथ जो है वो ये लाइन दोहराता है। इसके बाद वो लाइफ के प्रति भी बहुत अपना दुख प्रकट करता है, दैट लाइफ इज एज टेडियस एज ए ट्वाइस टॉल टेल। उसके बाद लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, कुछ मेटाफरिकल यूजेस किए जाते हैं। बेंज एस्केप, ये मैकडब बताता है रोज को, मैकबेथ को नहीं बताया जाता, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। याद रखिएगा ये एक्ट फिफ्थ के सीन फिफ्थ में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नॉरिसर इन लाइफ्स फीस्ट इज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकबेथ के अनुसार लाइफ की फीस्ट के अंदर का चीफ नॉरिसर कौन होता है? याद रखिएगा इसके अंदर का सही आंसर है स्लीप। स्लीप के लिए मैकबेथ ने बहुत सारे मेटाफरिकल यूजेस किए हैं। उसने कहा है द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, सोर लेबर्स बाथ, बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, डेट नेचर्स सेकंड कोर्स। तो इस प्रकार की फ्रेजेस यूज की गई है स्लीप के लिए, तो आगामी एग्जाम के लिए इनको तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजेलिन इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट डिस्गाइज हरसेल्फ एज, रोजेलिन जो है वो एज यू लाइक इट में कौन सा वेश बदलती है? तो वो गैनीमेड का रूप धारण करती है, एक सेफर्ड का। तो ये सारे जानते हैं, ये शायद ही किसी का गलत हो। एलेना जो है वो सीलिया बनती है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो कैरेक्टर है सिल्वियस है और जैक्स है, ये तो ओरिजिनल कैरेक्टर ही है, ये कोई रूप धारण किए हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमला दास की पोएम से ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है पढ़ने के लिहाज से। अगर किसी विद्यार्थी का गलत हुआ है तो ये पढ़ने की वजह से हुआ है। देखिए इसमें नॉट दिया हुआ है, व्हाट डिड द यूनक्स नॉट सिंग, इनमें से क्या नहीं गाते हैं वो? ऑप्शन ए लवर्स डाइंग, जी हाँ ये गाते हैं। चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, ये पूरी उनकी थीम ही तो थी। मेलनकॉलिक थीम्स, ये तो उनके गाने की थीम ही है। और बेटर टाइम्स टू कम, क्या उनके लिए बेटर टाइम आएगा? कभी नहीं। उनकी जो गाने के अंदर जो थीम है वो मेलनकॉलिक है, वो ग्लूम भरा हुआ है, कोई प्रकार की आशा उनको भविष्य के लिए दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ काउडर बेस्टोर्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम, थेन ऑफ काउडर का टाइटल किसके द्वारा और कब दिया जाता है मैकबेथ को? देखिए आपने देखा होगा पहले एक्ट के अंतर्गत ही एक वॉर दिखाया जाता है, और वॉर किसके बीच था? किंग ऑफ स्वेनो जो है वो मदद कर रहा था थेन ऑफ काउडर और मैकडोनाल्ड जिसने विद्रोह किया था, और जो आयरिश फोर्स है वो भी उनकी मदद कर रही थी। तो मैकबेथ और उनका फेलो कैप्टन बैंको जो है वो इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं नॉर्वियन के ऊपर। और डंकन को जो पता चलता है कि थेन ऑफ काउडर ने गद्दारी की है, तो वो ऑर्डर देता है कि इसे तो मृत्युदंड दे दिया जाए और इसका जो टाइटल है वो मैकबेथ को दे दिया जाए। लेकिन इसकी सूचना देता है वो रोस देता है, हो सकता है वहां पर आपने गलती कर दी हो कि इसमें रोस वाला ऑप्शन कर दिया, लेकिन ये टाइटल डंकन के द्वारा दिया जाता है नॉर्वियन पर जीत हासिल करने के बाद, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विल ऑल ग्रेट नेपट्यून्स ओशन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस एंड व्हेन, ये शब्द कौन कहता है कि क्या नेपट्यून का पूरा पानी, नेपट्यून जो कि सी गॉड है सागर के लिए यूज किया गया, क्या उसका पूरा पानी भी इस रक्त को धो पाएगा? ये मैंने वीडियो के अंतर्गत आपको अच्छे तरीके से बताया था, मैकबेथ कहता है और किसको कहता है? लेडी मैकबेथ को कहता है, और कब कहता है? जब डंकन का मर्डर करके आ जाता है। नेक्स्ट, द वाइल्ड स्पिरिट इन ऑल टू वेस्टविन इज कॉल्ड डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, बिकॉज वेस्टविंड का ये क्वेश्चन ये है कि वेस्टविंड को डेस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों क्यों कहा गया? डेस्ट्रॉयर तो ये है कि जितनी भी सूखी पत्तियां उनको ये झाड़ देती है, उनका विनाश कर देती है, और प्रिजर्वर इसलिए है कि जो बीज जो है वो उनको क्या है वापस वो ग्राउंड में दफना देती है ताकि वो वापस अंकुरित स्प्राउट हो सके, इसीलिए इसको डेस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कहा गया है। तो ये हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, विच इमेज दैट किड्स रिक्रिएट्स इन हिज ऑर ऑन एग्रेशन अर्न इज नॉट सिल्वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझने में बहुत गलती की है बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको, क्योंकि इसकी जो मेन कड़ी है वो इसके लास्ट वर्ड सिल्वन के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने वाले ने इसे सही किया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑर ऑन एग्रेशन अर्न के अंदर कीट जितनी भी इमेज रिक्रिएट करता है उनमें से सिल्वन कौन सी नहीं है? देखिए सिल्वन जो मैंने आपको बताया था कि सिल्वन का मतलब होता है पेस्ट्रल लाइफ से, मतलब जहां पर जंगलों के सीन हो, जहां पर किसी प्रकार का क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट ना हो, उसको सिल्वन कहा जाता है। तो जहां पर भी आपको फॉरेस्ट के सीन दिखाई देते हैं, जहां पे सेफर्ड दिखाई देते हैं, कंट्री लाइफ दिखाई देती है, वो सिल्वन कहलाता है। तो इसमें से पहला ऑफेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, ये पेस्ट्रल लाइफ से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन तो है, इसमें ये पूछा गया कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, ऑफ डेट इज इन द डेल्स ऑफ आर्कडी, आर्केडिया की जो वैली है वो इसी पेस्ट्रल लाइफ के लिए और रस्टिक कंटेनमेंट के लिए जानी जाती है, ये मैंने वीडियो के अंतर्गत आपको बताया भी था। द पेस्ट्रल पाइपर्स ये भी है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन नहीं है, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि इसमें तो अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड थोड़ी है, क्वाइटनेस है, तो बात एक ही है, एग्जैक्ट फ्रेज इसमें यूज नहीं की गई है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेफोडिल्स में से पूछा गया कि इसके अंदर कौन सा लिटरेरी टर्म यूज किया गया, द स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन, दे यूज किया गया डेफोडिल कि वो ऐसे बिखरे हुए थे जो कभी लाइन खत्म नहीं होगी, तो यहाँ पे हाइपरबोले का यूज किया गया, मेटाफर नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेफोडिल्स का यूज डेफोडिल्स के लिए किया गया है, किसी के साथ कंपेरिजन नहीं की गई है। उसके बाद अलिट्रेशन नहीं है क्योंकि कोई लेटर रिपीट नहीं हो रही है, कोई साउंड। क्लाइमेक्स तो तब होता है जब एक्शन के अंतर्गत हमें बहुत ज्यादा चढ़ाव देखने को मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग्स रीजुवेनेटिंग पावर ऑफ क्विकनिंग ए न्यू बर्थ इन सेलेज ओवर टू द वेस्ट विंड इज फर्स्ट मेंशन थ्रू द इमेज ऑफ, जो रीजनरेशन पावर है, जो रीबर्थ की पावर है, पुनर्जन्म की, वो कौन सी इमेज के अंदर का सबसे पहले स्पष्ट होती है। देखिए पुनर्जन्म क्यों होता है, क्योंकि एक बार तो ऑटम के अंदर का जो वेस्ट विंड बहती है वो सारी पत्तियों को झाड़ देती है, एक प्रकार से प्रकृति का विनाश हो जाता है। लेकिन जब स्प्रिंग सीजन वापस आती है और जब स्प्रिंग की एजोर सिस्टर अपनी वापस ट्रम्पेट बजाती है तो जो बीज उसने दफनाए थे वो वापस खिल उठते हैं और अंकुरित हो उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटमनल टोन दैट सेले विशेस टू रेप्लिकेट थ्रू हिज वॉस इज, जो सेले अपनी वॉस के माध्यम से जो अपनी ऑटमनल टोन को रिप्लिकेट करना चाहता है वो टोन कैसी है, तो इसके अंतर्गत एग्जैक्ट आंसर है स्वीट द इनसेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन बाय ब्राउनिंग फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय ऑन हिज लास्ट डचेस फेस, लास्ट डचेस पोएम के अंतर्गत ब्राउनिंग ने ऐसी कौन सी फ्रेज नहीं बताई है जिसकी वजह से डचेस के चेहरे पे खुशी झलकती है। देखिए डचेस के चेहरे पे खुशी किस किस बात से झलकती है, पहला तो हमने देखा था ड्रॉपिंग डे लाइट थी, उसके बाद चेरी बो थी, उसके बाद व्हाइट म्यूल पे वो चढ़कर टेरेस के चारों ओर चक्कर लगाना पसंद करती, इसके अलावा जो ड्यूक है उसकी प्रेजेंस भी उसके चेहरे पे खुशी लेके आती है। कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि ड्यूक की प्रेजेंस से तो उसके चेहरे पे खुशी आई नहीं है, देखिए इसने एग्जैक्ट लाइन बोली है ड्यूक ने, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली दैट कॉल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय ऑन हर फेस, कि सिर्फ उसके हस्बैंड की प्रेजेंस ही नहीं थी जिसकी वजह से उसके चेहरे पे खुशी आती थी, इसका मतलब उसकी वजह से भी आती थी, बाकी लोगों की वजह से आती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता था, यही वजह है कि ड्यूक जो है वो काफी चिढ़ता था। तो इसके अंतर्गत देखते हैं बॉब चेरी सही है, उसके बाद द व्हाइट म्यूल ये भी सही है, हर हस्बैंड प्रेजेंस ये भी है, लेकिन नेपट्यून टैमिंग ए सी हॉर्स यही एक ऐसा संदर्भ है जो डचेस के साथ नहीं रिलेट किया गया है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट डचेस इज ए वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय, डचेस का जो पोर्ट्रेट है वो किसके द्वारा बनाया हुआ था, तो ये तो आप सारे जानते हो फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा, क्लॉज ऑफ इन्सब्रक है, उन्होंने तो नेपट्यून की जो आइडल थी वो क्रिएट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Keats says in his ode on aggression that unheard melodies are sweeter because, क्यों कहता है ये लाइन कि जो जिन मेलेडीज को हमने सुना ही नहीं है वो ज्यादा स्वीटर है, क्योंकि ऐसी जो मेलेडी है वो हमारी स्पिरिट को अपील करती है, तो इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दे स्ट्राइक द कॉर्ड्स ऑफ द स्पिरिट, कॉर्ड्स कहते हैं नॉट सुर को कहते हैं। नेक्स्ट, द बोल्ड लवर इन ओड ऑन एग्रेशन आर नीड नॉट ग्रीव बिकॉज, इसके अंदर जो फ्रेज यूज की गई है ना बोल्ड लवर डू नॉट ग्रीव, कि बोल्ड लवर आपको दुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं आवश्यकता है, क्योंकि भले ही तुम उसे किस नहीं कर पाओगे, भले ही तुम्हें अपना ब्लिस जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हारा लव जो है वो हमेशा इटर्नल रहेगा, वो जो तुम्हारी बिलव्ड है वो कभी भी अपनी ब्यूटी नहीं खोएगी, तुम्हारे लिए हमेशा वो युवा ही रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज लव एंड हर ब्यूटी have become eternal, हमेशा के लिए शाश्वत बन चुके हैं, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माय लास्ट डचेस इज रिटन इन, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो माय लास्ट डचेस है वो किस में लिखी गई है, 28 राइमिंग कपलेट्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, बहुत सारे विद्यार्थियों ने यही ऑप्शन किया है। देखिए ये क्वेश्चन डिलीट इस हिसाब से होगा क्योंकि इस पोएम के अंदर का 28 कपलेट्स है, लेकिन राइमिंग कपलेट्स की बात की जाए तो वो 27 है, अगर आप 55 और 56 लाइन देखोगे तो उसके अंतर्गत आपको क्लियर शो होगा कि यहाँ पे किसी प्रकार की राइम यूज नहीं की गई है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। बाद दूसरा ऑप्शन 14 राइमिंग क्वाट्रेन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, देखिए इसमें 14 क्वाट्रेन यूज नहीं किए गए क्योंकि एक लॉन्ग स्टेंजा के अंतर्गत ही यूज किए गए, अगर क्वाट्रेन होते राइमिंग तो उनकी राइम मैच होनी थी, लेकिन राइमिंग मैच नहीं होती है, ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन, फोर सोनेट्स पुट टुगेदर एज ए मोनोलॉग, कई विद्यार्थियों ने यह भी किया होगा कि सोनेट्स के अंदर 14 लाइनें होती है तो 14 × 4 56 हो ही रहे हैं, लेकिन नहीं, सोनेट्स एक अलग ही फॉर्म है, सोनेट नहीं कहा जा सकता इसको क्योंकि उसके अंतर्गत अलग ही आइडिया होता है, उसका अलग कंक्लूजन होता है 14 लाइन के अंतर्गत, तो ये नहीं कहा जा सकता। ए लॉन्ग सोलिलॉक्वी ऑफ 56 लाइन, सोलिलॉक्वी भी नहीं है क्योंकि सोलिलॉक्वी और मोनोलॉग में डिफरेंस होता है, देखिए दोनों को भले ही स्टेज पे एक्ट किया जाता है
लेकिन सोलिलोक्वी के अंतर्गत हमारे मन के विचार सिर्फ हम ही सुन रहे हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं है ऑडियंस के अलावा। लेकिन मोनोलॉग के अंतर्गत हम किसी लिसनर को एड्रेस करके बातें बताते रहते हैं, हालांकि वो जो लिसनर है वो कुछ नहीं बोलता है, कुछ इंटरप्ट नहीं करता है। तो सारे के सारे ऑप्शंस इसके गलत हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल भी करोगे तो आपको 28 राइमिंग कपलेट देखने को मिलते हैं। मुझे हैरानी होती है कि जब 28 राइमिंग कपलेट्स है ही नहीं, जब आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसमें आपको लाइन रेयरिटी और फॉर मी है तो इनकी कोई राइमिंग नहीं है, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो इसका आंसर बी सभी ने सही किया, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। इस क्वेश्चन को डीप ऑब्जर्वेशन से देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने के लायक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हिज जो यूज किया गया है वो गॉड के लिए यूज किया गया, और गॉड के लिए जब यूज किया जाता है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए चाहे कहीं भी आता है, और हिज यहाँ पर इसका मतलब ये साबित होता है कि शायद ये मिल्टन का है, तो इसलिए आज से ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट, द टोन ऑफ डन्स बॉम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज, ये क्वेश्चन आरपीएससी 2013 में आ चुका है और इसकी जो थीम है वो मिस्टिकल है, सेटेरिकल भी मानी जा सकती है लेकिन सीनिकल नहीं है। देखिए इस बी ऑप्शन में जो सीनिकल वर्ड है, जॉन डन का जो एटीट्यूड है विमन के प्रति वो सीनिकल जरूर है, लेकिन इस पोएम की जो थीम है वो मिस्टिकल है। क्यों है? क्योंकि दो स्टेंजाज में हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर जॉन डन चाहते क्या है, हमसे क्या करवाना चाहते हैं। लास्ट में जाके ये शो होता है कि आखिर इस काम के लिए वो हमें बार बार कह रहे हैं, तो इस आधार पे ओवरऑल देखा जाए तो मिस्टिकल है, लेकिन अंतिम स्टेंजा की बात की जाए तो वो जो टोन है वो सीनिकल है, तो इस लिहाज से इसका आंसर सही होगा मिस्टिकल।